गाइस मेरी छोटी सी कैमरामैन दिखाओ, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, इधर दिखा, ये है ये हम लोग खोलने हो यो अखरोट क्या बोलते हैं ताऊ क्या यम राज को टाऊ को फूटियो आ फूट के ये हीरो हीरो भाई को आ जा इतना देखो ना सकल मधेसी रो नेपाली वाला तो मधेसी को राखी गोर खाली गयो भाई दिन चुके तेरा भाई होगा तो भाई चाहिए अच्छा पैसे मिलने वाला चाहिए रे देने वाला चाहिए अभी तो देने वाला लगती है देना दोग दिया वो सेली को हिस्सा को सेली को हिस्सा को पैसा भी दो पड़ी रे सेली और मेरा हिस्सा भी तेरे को नौकरी लग दे ऐसा चटनी बना रखा कि बहुत दिन तक याद बहुत दिन तक हो रही है घर का बात आई नहीं मेरे बुढ़ा को बात हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग बोलो जय माता दी जय माता दी लेट्स रॉक सो गाइस हैप्पी भाई दूज आप सभी लोगों को और मेरे भाइयों लोगों को भी तो अभी मेरे भाई लोग आने शुरू नहीं हुए हैं बट एक तो भाऊजू आए थे बेचारे और उस टाइम पे ना मैं खाने बना रही थी मैं नहाई भी नहीं थी तो फिर वो दूसरी जगह चले गए उन्होंने बोला अभी मैं आने वाली हूँ तो मैं फटाफट से खाना क्योंकि खाना बनाते बनाते इतना लेट हो गया मैं फटाफट से दरवाज़ा की पूजा करती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ हम लोगों में कैसे कैसे करते हैं हम लोगों में ना कलरफुल लगाते हैं जैसे और सिर्फ रेड टीका लगाते हैं ना हमारे में कलर 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 वाले लगाते हैं टीका उससे क्या उसका मतलब ये होता है कि मेरे भाई की जो लाइफ है वो ऐसे ही टीके की तरह रंगीन रहे हमेशा कलरफुल रहे सो अभी हम लोग फटाफट से करते हैं पूजा अब वो समायरा बनाएगी मेरी वीडियो है ना चल तुझे मैं पकड़ाती हूँ अभी गाइस मेरी छोटी सी कैमरा मैन दिखाओ मैं तुम्हें दिखा देती हूँ इधर दिखा ये है ये पीछे से आ गया देखो यार ले या वाला दूसरा आ गया देख नीचे खोल गिरा है और भी होगा उधर उधर की तू भी आ गया आ जा तू भी दिख जा दादा को तो दिखा दे ये ले पीछे से कैसे दिखेगा हेलो ग्लास जी वाला हेलो ये हीरो हीरो भाई को आ जा इतना देखो ना सकल कल दिखाओ चलो अब चलते हैं मम्मी भी रेडी होके आ गए हैं तुम्हारा छोड़ दे मधेसी रो नेपाली वाला मधेसी को राखी गोर खाली गयो भाई दिन चुके तेल लगा ना तेल लगा टाइम यूज कर आपने दीदी को नहीं लगा इतना मुश्किल से सुबह सुबह मेरा अबे मैंने भी बोला है इधर इधर कर यार नारियल तेल लगते तुम लोग क्या नहीं नहीं वो सरसों वाला तेल ही लगता है ना
एक दो थप्पर भी लगा देगी वो। कान पकड़ लो बस। मम्मी तो मेरी बहनें तो आएगी शाम को। आप नहीं जा रहे हो उधर पे? मेरे चार बहने आएंगी, मैं यहीं पे खेलूंगी। बोला खेलो आप, टांग उठा दिखाई देकर अभी वगैरह पीछे पीछे हट गई है। क्या हो गया, क्यों मरना है? आजकल के बच्चों की बातें सुन के मर जाऊंगी। क्या है, क्या है? क्रश है समायरा के पास। She crush someone in their face. करे कुछ नहीं क्या? बता कल मैंने ये करा था पूरा फ्राई। अभी यहाँ पे इसको डबल फ्राई कर रही हूँ मैं, इसमें एक लेयर लगा के ताकि थोड़ा सा बाहर से क्रिस्पी हो जाए बोल के। बाद में तो लगाऊंगी, नहीं मैंने सोचा माथी लगाने में नहीं तेल लगूंगी। वो भयंकर यहाँ देखना वो मराठी वाला है और चांद वाला, मराठी वाला बना दिया है। आई बना दिया आई। विक्रम में आई यहाँ वहाँ से स्कूटी तो बाप की बारी। सीमा को पनी वाला हां तो उसको भीतर उतार ली पापा ने। ये सीमा को आओ इधर आओ, इधर लगा दूं चोले सब सीट सीट। चलो टीवी मेरे लिए गोलवाला मार के लाते हो तुम। चल दिया पता है टीवी मेरे लिए भूल जा रही हूं माता को तो मेरा चले चाय पे रख हमारा देखो मम्मी ने बोला बस फ्रूट लेगा ना मिठाई का बिल्कुल ना लेगा तुम। मेहमान ने पाल ली दो अभी ये पाल दे दे और मंदिर में भी ना यही चीज मिल रहा था बाहर। इतना बड़ी बनाना वीडियो प्यार गिर रहा है भाई। टूटी फ्रूट हो गया हाँ तो आयुष्मान।
बोले हुन्छ बल्ल टाइम पाए साथी इतना बड़ा क्या रे चीज़ तो आना चाहिए ना उसमें हमारे इतने सारे साथी खबर तोला लीनो ने चार तोला के चार कटोरी वाले मेरे फोन ले चार खांचा वाले जब उधर कैसे बाल किसी ऊपर करी जुल्फ़ है ऊपर कर अपना जुल्फ़ है उधारी उधारी बनाई दे वीडियो में कर पैसे मिलने वाला भाई होगा तो भाई चाहिए अच्छा पैसे मिलने वाला चाहिए देने वाला नहीं चाहिए अभी तो देने वाला लगती है देना पड़ेगा दोनों बहनों को आयुष्मान और आशीर्वाद चल राशि और सब ऋतु सभी ज्यादा लगाए दो जाओ दादा ला लगाई दो बिचारा थाली पनि बोक्न सकिस नि उसले त कौन सा टुथपेस्ट युज गर्थ्यो जो आप क्या बोलते अखरोट भी दाँत से भर्दै वीडियो बनाने के लिए दोबारा टीका लगा सेली को हिस्सा को पैसा भी दो पड़ी रे सेली और मेरा हिस्सा दुटे को नौकरी रख दे सबने खा लिया है खाना ये देखिए बहुत टेस्टी था आपका चटनी चटनी बस चटनी अच्छा था चटनी सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट चटनी पसंद है हाँ चटनी पसंद है सेल रोटी मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो मुझे भी सेल रोटी के ऐसा चटनी बना रखा कि बहुत दिन तक याद करूंगी बहुत दिन तक चलो भाई खा लिया सब ने आज दाई लोग तो चले गए मेरे इतना सारा खाना बना के बच भी गया इतना सारा फिर मैं भाऊजी को बोलूंगी लेके जाओ तो भाऊजी है और कोई है नहीं ना ये तुम और आगे नानिया खा लो बोलेगी उसका आगे इतना बचा आपके घर में बना नहीं है ना और सबके घर में बना हुआ है
मम्मी के घर में भी बना होगा, रीना दीदी के घर में भी बना होगा, मेरे घर में तो बच्चा चलने, वही तो मैं बोल रही हूँ सबका वही होता है यार। अभी यहाँ मम्मी अंदर टिक्का लगा रहे हैं बुढ़िया लोगों को, हम दिखा देते हैं आप लोगों को। मम्मी अपनी बहनों को लगा रही हैं, मैंने तो लगा दिया। ओ फोटो खींच दीजु, ऐसा टिक्का लगा कर जस्ता करूँ, फोटो खींच दीजु। हो गया, नाक में भी गिर गया, सेल रोटी। गाइस सब लोग जा चुके हैं, बस अब हमारी बहनों की टोली बची हुई है और यहाँ समायरा भी है हमारे साथ। ए कितना फोन चलाओगी भाई, खेल लेना उसके साथ। सो अभी मेरा तो बर्थडे में दादी लोग नहीं आए थे तो उन्होंने गिफ्ट भी ला दिया है यहाँ पे, रितेश दाई लोग नहीं आए थे तो हाँ, इतने सारे मिठाई उठे हैं ना गाइस अभी, ये क्या बोलते उसे, ये फंक्शंस के बाद में यही होता है, मिठाई इतने सारे हो जाते हैं, फिर अब मिठाई कितना आप इग्नोर करोगे, थोड़ा खाने का मन तो कर ही जाता है, अगर अपने पसंद का आ जाए तो वो खाने का मन करा जाता है, ऐसा सोचते कि नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, बट फिर थोड़ा सा करके ज़्यादा हो जाता है मीठा मीठा। देख क्या रही हो तुम, फैन गर्ल कर, वो क्या बोलते उसे फैन गर्लिंग, क्या बोलते उसे, वही कर रही है तू, ज्यादा ना बोले दिन चो फैन उबोल मेरे पैसे मत तान लियो यहाँ से। फॉट क्या फॉट बमे क्या फॉट चलना, इतने सारे मिठाई यहाँ पे, मेरा रीना दीदी का भी उधर इतना ज्यादा, सेल का भी उधर इतना ज्यादा। तो गाइस मेरे गेस्ट लोग जा चुके हैं और मैं अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी क्योंकि इतना ज्यादा थक चुकी हूँ ना आज मैं, बहुत ज्यादा मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर में जान भी नहीं है खड़े होने के लिए, बट अभी हमको लास्ट में एक परमिला दीदी के घर में जाना है, सब लोग वहीं पे आ रहे हैं तो अभी वहीं पे चलते हैं, एंड उसके बाद वहीं पे डिनर के लिए बोला है तो वहाँ पे डिनर विनर करके फिर हम लोग आ जाएंगे वापस, एंड देन मैं आप लोगों को वहीं पे लेके चलती हूँ, देखते हैं कौन कौन आया होगा, सब लोग आए होंगे वैसे तो, मम्मी लोग तो नहीं बट जेठियामा लोग नहीं, सिर्फ हम लोग दीदी दाजी लोग और मेरी दीदी देवरानी, जो मतलब देवरानी तो है नहीं मेरी को, सब जेठानी है तो सारी जेठानी लोग सब लोग वहीं पर आए होंगे, सो अभी चलते हैं आप लोगों को भी लेके चलती हूँ मैं। सो लेट्स गो गाइस, एंड हाँ बहुत ज़्यादा थक गई है, मेरा रूम भी ऐसे फैला हुआ है ना, मुझे अभी मिलाने का मन भी नहीं कर रहा है, कल होगा जो होगा, लेट्स गो। घर का बात आई ना या मेरे बुढ़ा को बात, हो गया है यहाँ पे सब दाई लोगों का तो पार्टी चल रहा है, तुम क्या बैठे हो उधर, तुम क्या बैठे हो उधर, वही था यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, दीदी लोग क्या खा रही है वो, अच्छा अंडा पर रही ओ सुना मजा आ रहा है दीदी और मैं वो पूरा वो कर लालू की दीदी फैमिली में But he refuses everybody because he wants you. Yeah. But Bhari, जहाँ लिखे बोलते हैं, भगवान लिखे बोलते हैं, ते भी आओ बोलते हैं। हाँ, वो लग रही तू तो, इधर देख ना। आदिवासी। चिंगा था लाऊं। बाल में छेद छेद भेजा ना तेरा बाल में।
इधर देख भूलभुलैया की वो लग रही है। सो गाइज मैं आ गई हूँ घर और क्या बोलते हैं आज जो भी हो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज सब ताजी लोग आ रखे थे, सब लोग छुट्टी आ रखे हैं तो सब लोग एक दूसरे की पोल खोल रहे थे बेसिकली। सो जो भी आप लोगों ने देखा हो बस ग्लिम्स था, पूरी स्टोरी तो अब मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो हम लोग अपने अपने फैमिली का पर्सनल बातें हैं एक दूसरे के बारे में। सो मेरे तो नहीं बट मेरे हस्बैंड उनके दाजी लोग सब लोगों का, तो अब जो भी होगा कल वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। अभी हो गया सोने का टाइम। सो आप गुड नाइट गाइज, मिलती हूँ आप लोगों से कल। अभी के लिए बाय बाय, आई एम वेरी टायर्ड गाइज। अब इसको बाय बाय करने का टाइम आ गया है, इसको मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ। इसमें पानी डाला था, यहाँ वाले में तो मेरा लोटे का पानी गिर गया तो ये उसी दिन साफ हो गया था। गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोग ने दिखा दिया मेरे नीचे, आज तो मेरी रंगोली भी मिट गई। सो आज का दिन शुरू करते हैं। आज का दिन वैसे शुरू हो चुका है और निखिल मम्मी दोनों ऑफिस जा चुके हैं तो अभी मैं बैठ के आराम से आज बैठ के थोड़ा रेस्ट मिलेगा मुझे तो आज मैं रेस्ट करूँगी, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। सो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। सो गाइज ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। कल शाम को मैंने इतना कुछ करा नहीं था इसलिए उसके आगे कुछ ब्लॉगिंग हुई नहीं, कल तो मेरा रेस्ट डे था। सो आज अभी हम लोग को फिर से कहीं जाना है। सो आज का दिन शुरू करूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखने को मिल जाएगा आप लोगों को कि कहाँ जाना है क्योंकि काम से ही जाना है। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करने वाली हूँ गाइज, एंड अभी मैं नहाने भी जा रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग एंड ये ब्लॉग भी ख़त्म करते हैं। सो गाइज अगर आपने इंजॉय किया होगा मेरा भाई दूज वाला ब्लॉग तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो गाइज अगर अभी तक भी आप लोग सिर्फ देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ 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 दबा दीजिए गाइज, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही न्यू डे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लव यू बाय बाय।